Hello student, today we are going to discuss about size and shape of cell. MD sir biology class में आप सभी का स्वागत है. आज हमें shape की size और shape के बारे में कुछ पढ़ाई करनी है. इसके बारे में बहुत ही interesting topic है और साथ में ये exam के लिए भी बहुत ही important है. तो आज हम बात करेंगे कि जो cells होते हैं वो cells differ greatly in size, shape and activities. वो अपनी size, shape और activity के हिसाब से अलग अलग होते. और सबसे पहले हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा. इसके कुछ एग्जांपल्स हमें देखने हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं. माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल्स है. स्मॉलेस्ट सेल्स जो 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ का है. इसके अलावा इसको पीपीएलओ भी बोला जाता है. पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इसकी साइज है 0.1 माइक्रोमीटर. 0.1 माइक्रोमीटर मतलब कि ये जो माइक्रोप्लाज्मा और पीपीएलओ का जो साइज है वो 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर स्मॉलेस्ट सेल्स के अंदर आएगा. तो माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ है इसकी. और ये पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको एग्जाम के लिए फुल फॉर्म इसका आता है. पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ओके, इसके बाद हम जब बात करते हैं कि इसके बाद बैक्टीरिया की बात करेंगे. तो बैक्टीरिया की जो बात है वो बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर. साइज क्या है इसका? 3 to 5 माइक्रोमीटर. उसके बाद लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल. लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल अगर पूछा जाता है तो वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच. देखो बहन, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल बोला जाता है. और ये लार्जेस्ट जो सेल होता है वो कहाँ पे? तो ये लैंड एनिमल के अंदर आएगा कि जो जमीन पे रहने वाले जो प्राणी है, एनिमल है, उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग. ओके, उसका साइज है 17 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर. और अगर मिलीमीटर में पूछा जाए तो 170 mm टू 150 mm. इज दैट क्लियर? ओके, तो ये एक एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये आपको याद रखना है. उसके बाद आएगा ह्यूमन ब्लड सेल्स जो 7.0 या 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर की साइज का होता है. इसके बाद अगर पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है तो नर्व सेल. सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है तो वो बोला जाएगा नर्व सेल जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है. सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल. ओके दोस्तों, पता चल गया. तो ये कुछ जो सेल थे उनकी साइज थी जो हमें एनसीईआरटी में दी गई है और इसको हमें फॉलो करना है और उसको हमें याद भी रखना है. आपको याद भी हो गया होगा कि माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच 17 टू 15 सेंटीमीटर और 170 mm टू 150 mm. ह्यूमन ब्लड सेल्स 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर और नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल. अगर ये तो बात थी कि ऑस्ट्रिच का लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच जो लैंड एनिमल है मतलब कि जमीन पे रहने वाले ये जो जानवर है इसके अंदर ये देखा जाता है. और अगर पूछा जाए कि एक्वेटिक एनिमल के अंदर इस एग का साइज क्या होता है तो एक्वेटिक के अंदर अगर पूछा जाता है तो एक्वेटिक के अंदर आपको याद रखना है वेल सार्क. वेल सार्क जो होता है, वेल सार्क, वो वेल सार्क का जो साइज है वो है 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर का उसका एक साइज क्या है? 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये आपको याद रखना है. ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा बात हो गई जो हमें याद रहेगा, आपको पता भी चल जाएगा. ओके, इज दैट क्लियर? अब समझ में आ गई होगी बात. अब साइज की बात हो जाने के बाद हम बात करेंगे सिप. सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन दैट सेप. मतलब कि सेप के अंदर भी, सेल के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं हमें देखने मिलते हैं. तो कौन कौन से सेप हमें देखने मिल सकते हैं? तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, पॉलीगोनल स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, कॉलमनर स्ट्रक्चर भी देखने मिलेगा, क्यूबॉइडल भी जो स्ट्रक्चर होता है वो भी हमें देखने मिलता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी देखने मिलेगा और इरेग्युलर सेप भी हमें यहाँ पे देखने मिलेंगे. मतलब कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने मिलते हैं। उनकी जो साइज अलग अलग है, शेप अलग अलग है, और उनकी एक्टिविटीज़ भी अलग अलग होती है, मतलब कि वो बहुत ही अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो ये हो गई उसकी बात। अब अगर आगे बात करेंगे कि इनकी साइज़ का कुछ एग्ज़ाम में अगर पूछा गया या कुछ MCQ वगैरह आ गए, तो हम एक छोटी सी मतलब ड्राइंग देख लेंगे जो हमारी NCERT में भी दी गई है। तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेल के अंदर सबसे पहले क्या है कि ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो राउट और बाइकॉनकेव हैं। इसके बाद वाइट ब्लड सेल्स हैं जो एमीबॉइड शेप के अंदर होते हैं। ये है कॉलमनर एपिथेलियल सेल, हमने आगे पढ़ा है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, उसके जो सेल है वो जो लॉन्ग और नैरो है। इसके बाद है ये नर्व सेल, मतलब कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल होगा ब्रांच एंड लॉन्ग। इसके बाद है ट्रेकाइट जो एलोंगेटेड सेल है, और मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल मेसोफिल सेल्स। तो इसी टाइप के और कुछ अलग अलग टाइप के सेल्स हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं, जिसके बारे में हमें आगे भी डिस्कस करना है। ओके दोस्तों, तो ये बेसिक बात हो गई सेल की। तो अगर आपको इसके अंदर से क्वेश्चंस अगर निकालने हैं, तो सबसे सिंपल जो क्वेश्चन में सबसे पहले याद रखना है कि अगर लार्जेस्ट सेल पूछा जाता है तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, और लॉन्गेस्ट सेल पूछा जाता है तो नर्व सेल, ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, साइज एंड शेप ऑफ सेल। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।